पदमपुर उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। कांग्रेस का गढ़ रहा के आदमपुर, हम चुनाव जीत रहे हैं ये दावा किया गया। कांग्रेस के उम्मीदवार को ही जीत हासिल होगी, कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। तो देखिए हुड्डा ये कहते हैं कि कोई परिवार यहां से मजबूत नहीं रहा बल्कि कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े गए, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते गए और इस बार भी जो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में होगा उसे आदमपुर की जनता जिताने वाली। ये बड़ी खबर आपको बता रही कि जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने वाली है। नेता विपक्ष हुड्डा का एक बार फिर से कहना है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है आदमपुर से। क्या कुछ बोले थे हुड्डा, आइए सुनते हैं। आप पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार तय किया है, कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपना उम्मीदवार तय करेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो या आम आदमी का, दोनों ही कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस में रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस में रहे हैं और सत्येंद्र जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है उसको भी पहले कांग्रेस की टिकट थी। अब ये भव्य भी जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी की टिकट से, अब वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मजबूत कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर। कांग्रेस का कैंडिडेट कब तक घोषित होगा? जल्दी हो जाएगा तो एक दो दिन।